मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करता हूँ। प्रभु यीशु आपके जीवन के प्रति बहुत ही ख्याल करता है। आप सुखी रहना है, आशीष के साथ रहना है। सचमुच में आपके जीवन में आशीष आना है। क्या ये सच है? ऐसे हो सकता है? आप ऐसे कहते हैं, लेकिन उसी प्रेम से ही प्रतिदिन आपसे प्रभु बात करता है। लेकिन आप कहते हैं, मेरे जीवन में कोई उन्नति नहीं है, आशीष नहीं है। लेकिन सबके लिए एक समय है। पहला पत्रस 5:6 में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रभु कहता है, तू मेरे हाथ में दीनता के साथ आदिन में तुम्हें रहना है। परमेश्वर ऐसे ही कहता, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यूसुफ के लिए प्रभु ने स्वप्न दिया, उन्नति के बारे में कहा, उचित समय में आशीष के बारे में कहा। उस वचन को पूरा होने में लगभग 13 साल रहा। मिस्र में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को मानने के चलते परमेश्वर अधिकारी के रूप में बनाया, लेकिन उस अधिकारी आशीष को प्राप्त करने के लिए उनके सारे परेशानियों को, दुखों को और परीक्षाओं को झेलना पड़ा। तब प्रभु उनको ऊंचा किया और आशीष को प्राप्त किया। एस्तर के जीवन में देखिए, वो अनाथ है। वो सोची, माता पिता रहने से मेरे जीवन में ऐसे नहीं रहता। मुर्देकाय को परमेश्वर ने साथी के रूप में दिया और 127 देश में रानी के रूप में बनाया। आपको भी प्रभु जरूर ऐसे करेगा। एक वक्त एक भाई ने मुझसे मिलने के लिए आया, बहुत ही चिंता और बोझ के साथ था। उन्होंने कहा, भाई मैं काम करता हूँ, बहुत साल से एक ही कंपनी में हूँ, लेकिन कोई भी जो है उन्नति प्रमोशन नहीं है। मैं सोच रहा हूँ दूसरा कंपनी में जाऊँ, क्या आप प्रार्थना करेंगे? तो परमेश्वर ने प्रार्थना में यही वचन को कहा। मैंने कहा, आप उसी कंपनी में लगातार काम करने से प्रभु उचित समय आने से काम जरूर करेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मानेंगे। कुछ महीने के बाद वो वापस आके कहा, परमेश्वर ने मुझको उसी कंपनी में प्रमोशन दिया है और कई गुना तनख्वाह को भी बढ़ाया है। इतनी आश्चर्य हुआ। इसलिए मैंने कहा, परमेश्वर उचित समय में आपको उन्नति को देने के समय तक परमेश्वर की आत्मा को नीचे आप आधीनता में रहना, तो परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति को देगा। कुछ सेवक लोगों को मैंने ध्यान दिया है, जल्दीबाजी करने के चलते उन्नति नहीं, जो सेवा था वो भी खो बैठे हैं, अपनी खाली हाथ बैठे हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपको देख रहा, आपकी मेहनत को देख रहा है। इसलिए उचित समय आने समय तक जो है परमेश्वर में दीनता रहना है। आप कहते हैं, कब ये उचित समय आएगा? परमेश्वर ही उस समय को जानता। यदि आप अभी तक अर्पण नहीं किए, तो प्रभु से अर्पण करने से तुरंत उस उचित समय को प्रभु आपको देगा। क्या आज परमेश्वर की बलवंत आत्मा अर्पण करेंगे? प्रभु, तू मुझको आशीष को रखा है, उन्नति स्थान में रखने के लिए चाहता है। तब तक मैं आपकी बातों के प्रभु आधीन रहने के लिए मुझे अनुग्रह देना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु। आमीन, आमीन।